हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ द लेट्स एक्सप्लोर सिक्किम सीरीज। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम वॉचिंग द व्लॉग्स एंड एंजॉयिंग सिक्किम वर्चुअली विद मी। इन टुडेज व्लॉग वी विल बी कवरिंग मेनी वॉटरफॉल्स व्यू पॉइंट्स एंड द एवर ब्यूटिफुल गुरु दोमार लेक एंड द जीरो पॉइंट। Do watch the video till the end because there are some spectacular views coming up which is unreal and unimaginable. Hello my beautiful people, today is our day 3 at Sikkim and with heavy heart we are leaving Gangtok today and proceeding towards Lachin. Gangtok has been amazing, the people are extremely kind and I'm sure I have that feeling inside me that I will be back very soon here. So our car is ready. Gangtok to Lachin is around 6 to 8 hours of drive abhi car aa chuki hai, so we are all set to go to our next destination. Gangtok to Lachin is a drive of around 128 kilometers, which takes up to 6 to 8 hours of time. Our first stop for the day is Butterfly Waterfalls. Let's go. Butterfly Waterfall is another wonderful waterfall which is very near to a place called Mangan and a few kilometers away from Gangtok. छोटा सा waterfall है but really beautiful है. The best thing is कि आपको कोई ticket नहीं लेनी इसके लिए, so आप जब भी Lachin जाएंगे तो on the way ये waterfall जरूर आएगा, तो आप visit करके ही जाना. ऑन रूट काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स भी आते हैं, सो आप अपने ड्राइवर से कहिएगा कि स्टॉप करे बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है ये सारी व्यू पॉइंट्स और यू नो पहाड़ और डायरेक्ट व्यू मिल जाता है आपको हर सिक्किम की एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये जो रोड जर्नी है वो बिल्कुल भी टायरिंग नहीं लगता है बिकॉज इतने ब्रेथ टेकिंग और इतने प्यारे व्यूज देखने को मिलते हैं बाहर. आप फोन उठाओगे तो आपको लगेगा कि अच्छा मैं ये भी कैप्चर कर लूँ, वो भी कैप्चर कर लूँ. और इतने सारे वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे. ये सारी वाटरफॉल्स मैन मेड नहीं है, दिस इज ऑल द नेचर एंड दिस इज really outstanding. Here we have stopped for police checking. Basically we have to wear masks are compulsory, plus this is a plastic free zone, matlab yahan se plastic is not allowed, to water bottles sab yahi pe hame dena padega and we have to buy those different types of different types of water bottles जो plastic नहीं है, so बहुत strict checking हो रही है. And welcome to Lachin. Road journey में बहुत सारे bridges भी cross करने पड़ते हैं and उसका भी अलग ही नज़ारा होता है, like water is flowing beneath and आप bridge cross करके जा रहे हैं. लाइक आई ऑलरेडी मैंशन प्रीवियसली कि बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे जाते जाते, तो आप हर जगह रुकिएगा बिकॉज हर वाटरफॉल की ना अलग अलग व्यू होती है. सो ये सारी चीज़ ज़रूर मिस ना करें और कैप्चर ज़रूर करिएगा. और यहाँ पे हमने जो ब्रेथ टेकिंग सनसेट होते हुए देखा, लाइक लिटरली द sky was orange और यहाँ रात हो गई and it was just I think 5 PM or something like that. I'll see you tomorrow. It's our day 4 at Lachin and now we are heading to Guru Dogmar Lake. खिलौने बहुत हैं, मैं देखा दूँगा.
खिलौने बहुत है अभी तो जाना है ये क्या है टेंजिंग आग में डालने हैं अच्छा हाँ आग में डाला तो आग बहुत बड़े आ जाएंगे फिर से हम आग सेकना होगा ऐसे ओ अच्छा आपको ठंड लग रही है अभी हाँ मेरे पाजी भी अच्छा पाजी पर पैसा भी है देखो मुझे दोगे आप मेरे पास बहुत सारे मुझे दोगे आप टंगू का नीचे ना वहाँ पर भी है बहुत सारे कॉलर क्या अच्छे से क्यों नहीं टेंशन नहीं कराओ एक बार उठा लूँ आपको आप लोग लंच किया लंच नाश्ता तो कर लिया बेटा मैं तो ओ कर लिया ब्रेड ब्रेकफास्ट कर लिया ब्रेड कर लिया ब्रेड ब्रश ब्रश नहीं ब्रेड 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 खा लिया मैंने अच्छा एक ब्रेड खा लिया हमने भी ब्रेड ही खाया मैंने भी एक ब्रेड खा लिया और मैंने एक डिटर्जेंट बोले ना और मैंने भी एक ब्रेड खा लिया अच्छा अच्छा चलो हेलो दे दो दे ताली हेलो हेलो उनको भी दो हेलो दे ताली हाय बाय 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 बेटा बहुत बाय अच्छा किसी दे दे टेन में किसी दो हमारी दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी थी हमें टेंजन ने अपना घर दिखाया अपने खिलौने दिखाए अनफॉर्चुनेटली वो मैं आपके साथ यहाँ पे ब्लॉग में शेयर नहीं कर सकती ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस बट देन ऑफ कोर्स आप समझ रहे होंगे व्हाट आर माय फीलिंग्स करेंटली वी आर ऑन रोड गुरु दोगमार लेक लाचेन टू गुरु दोगमार लेक takes around 2.5 hours of time. World seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Which is the world's highest dosa point. यहाँ पे बहुत सारे varieties of dosa है. The height of this point is around 14,000 feet and this is meant to be the world's highest dosa point. Let me give you another instance which proves that nature के सामने सब fail है. Initially when we started from Lachen, we could see that the streams were flowing, मतलब पानी का बहाव था properly. But जैसे जैसे हम height में चढ़ते गए, we could see धीरे धीरे पानी कहीं कहीं जगह पर freeze हो रहा है, कहीं पर पानी अभी भी बह रहा है. And within few minutes we reached a place wherein जिसके आगे जो भी stream आ रही है सब कुछ freezed है like literally freezed completely. जाते जाते we could see a lot of yaks. इनकी ये खासियत है कि they have long hairs plus they are only found in the Himalayan region. Domesticated yaks have been kept for thousands of years primarily for their milk, fiber and meat as well as wo log bahut kafi kuch utha lete hain saman wagera ke liye. We are having chocolates to warm ourselves. Scientific research shows that chocolate is a cold weather antidote. The caffeine increases metabolism by stimulating the release of fatty acids, which in turn increase the body temperature and makes you feel warmer.
राइट गुरु दोग मार्लिक, मैं थोड़ा आराम से ही बात कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन लो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो फास्ट बात नहीं करना चाहिए. एंड द व्यू इज स्पेक्टेकुलर. आई एम श्योर यू वुड हैव फेल्ट कि आप कोई वॉलपेपर या कोई मूवी ही देख रहे हैं, बट दिस इज रियल. द व्यू आई एम सीइंग हियर इज मैजिकल एंड अनबिलीवेबल. कभी सोचा नहीं था अपने आँखों से ऐसे एक व्यू का दीदार होगा. इफ़ यू सी दिस पार्ट ऑफ द लेक इज फ्रोजन एंड थोड़ा सा उस पर इट्स स्टिल फ्लोइंग, वाटर इज स्टिल फ्लोइंग एंड धूप की किरणें जब पड़ रही है, सूरज की किरणें जब पड़ रही है, इट्स शाइनिंग. बस मैंने क्या देख लिया. गुरु दोगमार लेक इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड at an elevation of 17,800 feet. This is considered a very sacred lake और इसके पीछे का story मैं आपको अभी बताऊंगी. So the local people approached Guru with an appeal for help कि the lake remained frozen during most of the year and it rendered incapable as a source of water. So Guruji ने एक part of lake को touch किया अपने हाथों से. तब से जितनी भी ठंड हो जाए वो पार्ट ऑफ लेक फ्रीज नहीं होता है. I could feel a little drip in my oxygen level, so that's why this is Kirpur or camphor. आप जब लेंगे ना इनसाइड, when you just breathe it, you will feel better. You will feel that oxygen supply is more in your body. So don't forget to get camphor or kirpur whenever you are coming to the mountain area or Guru Dogmar Lake. Arjun, you have to side mein south China hai. Wo is side mein China hai. Ha, wo side mein China hai. India ka banda hai. Aapka phone ka bus ka India ka banda hai. Wo wahan pe acha India ka. Is side mein aapka China hai. Theek hai. Ha. Is side mein bhi wo China hai. Acha us taraf bhi China hai. Ye India hai pura. बट गुरु दोगमार इंडिया में है ना. हाँ जी इंडिया में है ना, सब चाइना. अच्छा वो सब चाइना, बट वहाँ उस तरह बर्फबारी नहीं है भैया. क्यों इस तरफ है उधर नहीं है, ऐसा क्यों है? नहीं उधर आपका ऐसा हुआ, इसका आगे था ये सब पिघल गया है. अच्छा इस तरफ का पिघल गया है. लास्ट में नोज ब्लॉकेज हो गई थी, सो मेक श्योर यू ब्रीथ कंटिन्यूसली एट गुरु दोगमार लेक. एंड कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आपको फील हो, देर आर आर्मी पर्सनल एंड MI रूम्स अवेलेबल फॉर द हेल्प. इट्स नाउ टाइम टू गो टू लाचुंग. द डे 4 कम्स टू एन एंड. अब बारी है अगले दिन की एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग द जीरो पॉइंट. वी आर ऑल सेट फॉर टुडेज प्लान. सो अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर जीरो पॉइंट एंड वी हर्ड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो एंड ज्यादा स्नो हो तो ज्यादा मस्ती. चलिए लाचुंग टू जीरो पॉइंट टेक्स अराउंड 2 hours ऑफ ड्राइव. On the way to zero point and this is the valley view point. If you see yahan pe we can see the flowing water as well and the mountains, that is the peak. If you see the patterns that the snow forms on the mountains is really
breathtaking. And the best part of today is the weather. It's pretty cold. The temperature would be around 1 or 0 degrees, but the sunshine, oh my god, we are enjoying it a lot. As you approach zero point, you might start feeling a bit nauseated because of the curved roads and a sudden change in the altitude as well. But don't worry, आप बस अपने window car के window seat से बाहर देखिए और view enjoy कीजिएगा. You will see snow-capped mountains as well as the floating clouds. So ये नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है. Zero Point is located at an altitude of 15,000 feet and the place is called Zero Point because this is where civilian road ends and civilians are not allowed to go beyond this point because the international border of China lies at a shouting distance from here. We finally reached Zero Point and yadness. Zara hai. The mountains are completely filled with snow and I can't wait to go and start playing in the snow. The mountains are completely filled with snow and we are freezing. स्नो में जाने से पहले हम लोग को बूट पहनना ज़रूरी है वरना हमारे जूते गीले हो जाएंगे. इसीलिए हमने इनकी शॉप से बूट्स रेंट पे ले लिए हैं. इट इज़ 100 rupees पर पर्सन. चाय कॉफ़ी सब कुछ मिलता है खाने के लिए. मैगी हो गया, मोमोस हो गया. तो आप जब भी आए यहाँ पे ज़रूर आइएगा. जीरो पॉइंट में मैगी बहुत अच्छा होता है खाने में. मज़े वाला होता है मैगी, गर्म गर्म सूपी वाला खाने में मज़ा आता है. हमने यहाँ पे बूट्स पहन लिए एंड वी आर ऑल सेट टू गो एंड प्ले. We have reached Zero Point and if you see the mountains are completely covered with snow. बहुत ही ज़्यादा beautiful लग रहा है. यहाँ से हम जब पूरा view देखते हैं ना तो it's like carpet बिछाया हो white color का, वैसे feel हो रहा है. And it's freezing, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है. But धूप की वजह से काफ़ी अच्छा भी feel हो रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा धूप में बैठे हैं. Zero Point remains covered with thick snow most times of the season. इसलिए ये एक वजह है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा फ्लॉक होते हैं यहाँ पे. एंड जो भी सिक्किम विजिट करता है वो श्योरली Zero Point ज़रूर विजिट करता है. यहाँ पे हम स्नो में थोड़ी मस्ती करते हुए थोड़ा डांस वगैरह कर लिया और बस हैविंग अ फन फिल्ड टाइम.
हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सेव्ड गाने नहीं थे तो हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ा, बट आप जब भी जाएं तो आप सेव कर लीजिएगा गाने, बिकॉज वहाँ जाके ऐसा माहौल हो जाता है कि यू नो आपको बहुत मन करता है कि आप गाने सुने और इन्जॉय करें. I hope you liked the video. Don't forget to like, comment, share it with your friends and subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. The link is in the description box below. I'll see you very soon with my next vlog. Till then, stay safe and take care of yourself. Be kind and have courage. Bye-bye.